अगर कोई मूर्खता की बात करे तो आपको क्या करना चाहिए, क्या हमें भी मूर्ख बन जाना चाहिए? आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अंकुर नरूला जी के बारे में कौन नहीं जानता है, परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त दास जो परमेश्वर की सेवा पंजाब में करते हैं और काफ़ी बड़ी इनकी मिनिस्ट्री भी है। और बीते कुछ दिनों में आपने वीडियो देखी होंगी कि हालेलुया शब्द का बहुत से लोगों ने मजाक बनाया, और आज से लगभग 3 साल पहले भारती जो कॉमेडी करने वाली जो एक्ट्रेस थी उसने भी प्रभु यीशु मसीह की इस महिमा के की मजाक बनाई थी। तो उन लोगों के लिए अंकुर नरूला जी का क्या कहना है, पहले आप ये वीडियो देखें फिर आगे बात करते हैं। लिख के दे देता हूँ, बागेश्वर बाबा भी लिख के दे रहे, सही कर रहे हैं, कईयों का पिछवाड़ा पुनपुन आ गया उनके चक्कर में, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। अरे हमारी आस्था है, तुम पंजाब में करते हो हालेलुया, हम लोग करते राधे राधे, हम लोग करते राम राम, हम लोग करते सत श्री अकाल, वो कहते हैं हालेलुया। भैया हालेलुया क्या होता है? मेरे तो बाप दादा ने कभी नहीं सिखाया हालेलुया, आपको मालूम है हालेलुया क्या होता है? अरे वो ऐसे करते हैं, भैया बता रहा हूँ करना मत, ऐसे करते हैं वो बंदा करता है हालेलुया। अरे क्या होता है, क्या होता है ऐसा, मतलब हाथ लगाते ही बंदा छटपटा जाता है, वो पागल खाने से आए। अंधविश्वास इस देश में मत फैलाओ, ये देश सनातन धर्म का है। तो इस वीडियो के आगे मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो और शेयर करने पर हूँ, आप इस वीडियो को भी देखें कि कैसे 3 साल पहले भारती ने भी हालेलुया शब्द की बहुत ज़्यादा मजाक बनाई थी और इन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी थी। तो वो वीडियो मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दिखाने चाह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें फिर आगे हम बात करते हैं। अगर तू मुझे इसका मतलब, इसका मतलब क्या है जो ऐसे ले नहीं सकते क्योंकि फैमिलीज भी ये शो देखती है, ये नए ब्याहे जोड़ों के लिए है, ये पति कह सकता है हालेलुया। मैं इसके लिए आपको 5 मांगूंगा। बनता है, बनता है, बनता है, कैसा है ना? कैसे आज हम तीनों जाके घर हालेलुया। भारती मैं इसका मतलब बता दूं, ये बाइबल में ये वर्ड है, इट मींस प्रेज द लॉर्ड, तो प्यार भगवान, प्यार भगवान, पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर होता है, कैसे हालेलुया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये लोग हालेलुया शब्द की मजाक बना रहे हैं, जिस शब्द को परमेश्वर की महिमा के लिए मसीह लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं कुछ किसी को नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाता है। 3 साल पहले जब भारती ने प्रभु यीशु मसीह की इस शब्द की मजाक बनाई थी तो उन्होंने भी आगे चलकर माफ़ी मांगी थी। ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद इतना ही है कि जब लोग परमेश्वर की मजाक बनाते हैं तो परमेश्वर चुप बैठने वाला नहीं है। तो इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम अपना प्रेम ऐसे लोगों के साथ प्रकट करते हैं और हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम प्रेम करते हैं। लेकिन अंकुर नरूला जी ने इन लोगों को क्या कहा है, आप लोग इस वीडियो को देखिए फिर आगे हम बात करते हैं। कोई गलती करे तो बाइबल कहती है कि अपने आप को नम्रता के साथ संभालो कि हम भी गलती ना करें। अगर कोई मूर्खता की बात करे तो आपको क्या करना चाहिए, क्या हमें भी मूर्ख बन जाना चाहिए? अपने आप को उस जगह पे रख के देखो, अगर किसी ने कुछ कहा आप उसका लीगल प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर अगर आप उसको गालियां निकालोगे, कोई बोल रहा है कि वो कुत्ती है, कोई बोल रहा है वो वैश्या है, कोई बोल रहा है, ये चीज़ें सही नहीं है, ये आपको ग्रेस से बाहर कर देंगी परमेश्वर से। और दूसरा, अगर हम किसी को, क्योंकि तो पंजाब में गिनती में हम ज़्यादा हैं, पावर में ज़्यादा हैं, तो किसी ने गलती कर दी हम उसको अंदर करवा सकते हैं, तो क्या आप अगले 3 महीने में उसके घर सुसमाचार लेके जा सकते हो? आप उसको बता सकते हो कि आप खुशखबरी का प्रचार करने के लिए आए हैं, जी हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम तो आपको गुड न्यूज़ देने आए। तो क्या ऐसे लोगों की फैमिलीज यकीन करेंगी जो जेल में? तो हमें ऐसा डिसीजन लेना है होली स्पिरिट का। पौलुस कहता हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या इन शारीरिक बातों का न्याय ना करें? हम ऐसा पवित्र आत्मा से उनको उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं कि वो फुल फैमिलीज, तीनों फैमिलीज बैठे हैं और
खुदावंद के पूरे कलाम को सुने 7 घंटे, और उसके बाद 7 संडे उनको अलग अलग चर्च में लेके जाया जाए और हालेलुया का मतलब समझाया जाए और उनको यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया जाए, उनसे नफरत ना की जाए। तो मेरे ख्याल में 8वें हफ्ते जो आपकी नफरत नहीं कर सकती, वो आपका प्यार उसको असली हालेलुया बोलने पे और चीखने पे भी मजबूर कर देगा। ये मेरा वायदा है, ये मेरा विश्वास है परमेश्वर। तो आपको वही करना है जो बिब्लिकल हो। एक दूसरे की तरफ देख के फालतू वीडियोस मत बनाओ। सबके सेंटीमेंट्स को चोट पहुंची है, सबको बुरा लगा है। किसको नहीं लगा? जो आधा अधूरा विश्वासी है उसको भी बुरा लगा है। लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी फैमिलीज, वो लोग सदा के लिए मसीहत के दुश्मन ना बने। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा। तो अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसे ही परमेश्वर के वचन से नॉलेजेबल वीडियो आप यहाँ पर देख पाएँ और आप समझ सकें कि किस प्रकार परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। जब लोग परमेश्वर का विरोध कर रहे होते हैं, परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहे हैं, उनकी महिमा को तुच्छ जान रहे होते हैं और हालेलुया शब्द और भी बहुत बातों का लोग मजाक बनाते हैं, तब भी हम लोगों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वीडियो आपने देखा होगा किस तरीके से अंकुर नरुला जी ने कहा कि हम ऐसे लोगों के साथ गलत व्यवहार ना करें, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, इन्हें गलत ना बोलें, गाली ना दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। और परमेश्वर ने हमें, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र जन हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा ही तो देखते हैं कि जब मसीह लोग कुछ नहीं बोल रहे होते, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, अगर अन्य धर्मों में अगर आप उनकी चीज़ों को, उनके धार्मिकता को अगर ठेस पहुंचा दे, कुछ बोल दे, तो बहुत सी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन मसीह लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि मसीह लोग शांत स्वभाव के लोग हैं। ये सब अपने परमेश्वर पे छोड़ देते हैं, हम सब अपने परमेश्वर पे छोड़ देते हैं, ताकि हमारा परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करे। और कहीं ना कहीं हमारा परमेश्वर भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और वो हर एक इंसान को मौका देता है सुधरने के लिए और फिर से पश्चाताप करने के लिए। तो भारती जी ने तो 3 साल पहले पश्चाताप किया था, इस बात के लिए माफ़ी मांगी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई, आप इस लोगों के लिए भी ज़रूर प्रार्थना करें जो आज परमेश्वर की महिमा की मजाक बना रहे हैं। कल आने वाले दिनों में वो ही लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किस लिए बलिदान किया, और प्रभु यीशु मसीह के इस शब्द की हालेलुया की गलत तरीके से नहीं, परमेश्वर परंतु परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रभु आप सभी को बहुत ज़्यादा आशीष करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, आप कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। गॉड ब्लेस यू।